ओम शांति। आज 25 जुलाई 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांध तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? तुम बच्चों को किस बंधन में अब बंधना? ऐसा भी है क्या? बाबा रोजाना हमें बंधनों से मुक्त करते और आज बंधन में बांध रहे। कौन सा बंधन बंधना चाहते हो? हाँ जी, श्री ईश्वरीय बंधन। बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाए और आगे विकर्म करने से भी बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। प्रश्न नंबर 2, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? बर्थडे, जयंती आदि मनाना, जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, ये फैशन है आजकल का। ये भक्ति मार्ग का बर्थडे मनाना, हर साल अपने जो भी इष्ट देवी देवताएं हैं उनके भी जन्मदिन मनाना, ये भक्ति मार्ग के क्या है? परंतु इससे फायदा क्या होता है? विशाल साल जन्माष्टमी मना लो या दूसरे जन्मदिन मना लो या अपने जन्मदिन मना लो, क्या फायदा होता है? गिफ्ट मिलते हैं और कोई फायदा? हाँ जी, पैसे खर्च करो, गिफ्ट लो और कुछ खाने के लिए मिल जाता। कितने साल खत्म कर दिए जिंदगी, खुशी मना रहे हैं, बाकी और कम हो गया, एक साल और कम हो गया। उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं जिनके जन्मदिन मनाते। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे ओम। अब गीत बच्चों ने सुना, ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, ना वेद शास्त्र, ना तप, तीर्थ दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता। ये सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले कहते हैं तू प्यार का सागर। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहां से पावन दुनिया में चले जाते। बाबा आकर क्या देते हैं? प्यार की एक बूंद पिलाते, तेरी बूंद के प्यासे। परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता प्यार किया जाता। ज्ञान अमृत पिलाते। बाबा है ज्ञान का सागर,
इतनी नदियां जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन? ज्ञान की नदियां जो निकलती हैं जरूर कहेंगे सागर है, उनसे ही सब नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परम आत्मा ठहरा, उनसे तुम सब कौन निकले हो? कौन निकले हो? ज्ञान गंगाएं निकलती, बल उनकी महिमा है, वो प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते, ज्ञान आकर देते हैं, ज्ञान पीकर हम कहां जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, मुझ ज्ञान सागर को याद करो, अर्थात श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना, ये तो किसी को पता ही नहीं कि पहले पहले कौन सुनता है। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी शरण में, परंतु पिता तो है परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? उसी को ही पिता उसी को ही माता कहेंगे या माता किसी और को कहेंगे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वे आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये जिसके तन में प्रवेश किया है, तो ये माता ब्रह्मा बड़ी माँ, ये माता हो गई। इनके कान पहले सुनते, वास्तव में शरीर माता का नहीं है, शरीर तो पुरुष का है, तो माता कहां से लाए? इसलिए गाया हुआ है जगत अम्बा सरस्वती, सरस्वती को सितार है, वो है ब्रह्मा कुमारी। सरस्वती क्या है? ब्रह्मा की बेटी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते ब्रह्मा के जितने जगदम्बा के मेले लगते। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते, ज्ञान सागर वे है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया और पावन है सतयुग। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, अब उन्हें ये राजाई का तिलक कैसे भी मिला? गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाई को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। ये बात है संगम, जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, यहां तो राजाई है, यहां तो राजाई है, नहीं राजाई तो है नहीं। बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन
श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा, राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, तिलक कोई दिया नहीं जाता है, ये तो समझाया जाता है। बाकी कोई तिलक लगा नहीं देते, पर तो लगाते हैं। ये तो समझाया जाता है, पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। ये जो तिलक लगाते, ये दुनिया का स्थूल तिलक स्मृति दिलाने के लिए कि तुम अमर आत्मा हो, उस रीति को पूरा करते और तिलक लगाते। राखी बांधते तो प्रतिज्ञा कराते पावन बनो। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात, है ये ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे, हम पतित पावन ज्ञान सागर के बच्चे बने, तो जरूर हमको पावन बनना होगा, हमको पावन जरूर बनना होगा। बाकी तो रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं। रक्षा बंधन है, आज राखी बांधो तिलक लगाओ, इसका कोई सवाल नहीं। तुम तिलक कहां देते हो? भक्ति मार्ग में रसम निकाल दिए, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। कभी माथे पे तिलक लगा दो, अर्थ तो कुछ समझते नहीं। राज तिलक कब और किसको मिला, यहां तो है सारी ज्ञान की बात। तो तुमको जाकर समझाना है, ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वे जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वे खुद पवित्र थोड़े रहती है। जो खुद पवित्र नहीं है, वो दूसरे को पवित्र रहने के लिए कैसे कह देगी? पहले राखी कौन बांधती थी? पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती, फिर वो क्या बन पड़ती है? पतित बन पड़ती। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती, अब तो माताएं कन्याएं राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी। रियलिटी में जो होता है उनका गायन, फिर उनका यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना, ये तो एक फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्होंने को तो कुछ पता नहीं है। शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी? रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान नहीं होता। झूठी राखी बांधने से तो नुकसान भी होता है। ये है ही झूठी दुनिया।
और ये राखी का उत्सव भी झूठा बनाते, राखी का उत्सव भी झूठा मनाते हैं। वास्तव में है पवित्रता की बात, वास्तव में है पवित्रता की बात, पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। प्रतिज्ञा भी किसकी करेंगे? पवित्रता की। ये तो अभी शुरू हुआ है, पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वो कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना, तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है, बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवानोवाच माम एकम, याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनेंगे, इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना, महिमा माता को दे दी, महिमा किसको दी है? माता को। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकते, ढेर सारे चाहिए। ये प्रवृत्ति का मार्ग है, त्योहार तो मनाते आते हैं, वे अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसा कमाने के, इसलिए राखी बांधते हैं हर साल पैसा कमाने। खराब है बाबू, मतलब राखी बांधनी चाहिए पवित्रता के लिए, बाकी उन्होंने क्या बना लिया, धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते, बस धागे में धागा ही बांधते थे, मौली का धागा, उसके बाद धागे में फूल लगाना शुरू कर, अब तो सोने चांदी की राखियां आ गई। मेल फीमेल सबको बांधते थे, हम ब्राह्मण जब राखी बांधने जाते थे तो सारे घर के जितने भी मेंबर हैं सबको राखी बांधते थे, चाहे कुछ भी मिले, चाहे एक रुपया मिलता था, चाहे दो रुपए देते थे, मतलब जो भी देते थे, मतलब यह है कि उस समय के हिसाब से वो काफी था, मतलब हम ढेर सारा पैसे वो इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनको गिनते थे, सेट करते थे। मतलब कहने का ये है कि मेन बात समझने वाली है कि राखी जो है हम 15-15 दिन 20-20 दिन पहले तो राखी बनाना शुरू कर देते थे। हाँ और क्या, बाजार से थोड़ा खरीदेंगे, पीले धागे मिलते हैं, बस कपास को रंग किया और उसको बांध दिया, 2-3 लाल नीले हरी राखी बांध दी और हो गया काम। कोई सौकार आना दो आना दे देते थे, उस टाइम जमाना ऐसे ही था। हाँ हम भी जाते थे, तो सारे काम हमारी मम्मी या दादी थोड़ा कर पाएंगे, सारे गाँव को राखी बांधनी है तो हाँ लूटा है, खूब लूटा है। कोई सौकार आना दो आना उस समय ऐसे ही देते थे, 10 पैसे 8 आने रुपया 2 रुपया, कोई बड़ा सौकार होता तो 1 रुपया दे देते। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है,
फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची दे देता, कोई गिन्नी भी दे देता है सोने की, 50 रुपया भी दे देते हैं। रसम ही बदल गई। ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण का काम है, तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वो तो है कुख वंशावली, कोख से पैदा हो गए और नाम के ब्राह्मण बन के बैठ गए। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो, पतित पावन है ही एक बाप, अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो क्या हुआ, क्या हुआ, तिलक गुम हो जाता है, उसका अपना ही तिलक गुम हो गया कि मैं आत्मा हूं। उसने अपने आप को क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया, फिर राजाई मिलती नहीं। आत्मा भूल गए तो राजा कौन बनेगा। यहां तो परम पिता परम आत्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ऑर्डर निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। राज करेगा खालसा और करे ना। अब बेशक गुरुद्वारे में लाइन बोली जाती है, परंतु वो बेचारे भी नहीं जानते कि लाइन क्यों बोली गई। उन्होंने खालसा समझ लिया सरदार जी, खालसा जी सरदार जी, और खालसा माना क्या होता है, खालसा माना क्या होता है बताया नहीं क्या, खालिस माना क्या होता है, खालिस होता है शुद्ध, जिसमें कुछ और मिला हुआ ना हो। खालसा माना शुद्ध पवित्र, जिसके पास कोई बुराई ना हो। राज करेगा खालसा, जो पवित्र बनेगा वो राज्य करेगा। वो बोलते हैं क्योंकि जो खालसा होता है सरदारों में वो 5 चीजें अपने पास रखता है, केश कै, 5 कै बोलते हैं, केश कंघा कच्छा कड़ा और कृपा कटारिया कृपा, ये 5 चीजें रखेगा। और अमृत चखने का मतलब कि मैं पवित्र रहूंगा, वहां अमृत चखते हैं, अमृतसर में अमृत चखते हैं। अमृत चखना समझते हैं नहीं, अमृतसर में जाकर अमृत चखते हैं सब, चखना समझते हो, चखना माना रोटी चखते हो ना, टेस्ट करना यानी खा पीना, चखना माना खाना या पीना। तो वहां जाकर के अमृतसर का पानी पीते हैं, अमृतसर तालाब का जो पानी पीते हैं वो समझो कि उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पवित्र रहूंगा, मैं पवित्र रहूंगा। जब ये सरदारों का हत्या की गई थी इंदिरा गांधी के मरने पर 84 में, उस समय जो बच गई थी सरदारनियां वो जो है वहां जाकर उनको उन्होंने अमृत चखाया कि तुम पवित्र रहोगे। मतलब हमारे वहां एक पीएम थी तो उसने वो कहती मैं वहां से अमृत चख के आई, मतलब अमृतसर जाके अमृत चख के आई। मतलब कहने का है कि अमृत चखने का मतलब पवित्र रहना, परंतु बाकी सारे सरदार जाते हैं अमृत चख के आते हैं, परंतु कोई उसके महत्व को जानता नहीं। अब बातें तो हैं, अमृत पीना है और पवित्र रहना है, परंतु उसको जानते नहीं इसका मतलब क्या। पावन तो सिर्फ तुम बनते, तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही,
पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो, याद का बंधन बड़ा कड़ा है। कौन सा बंधन बड़ा कड़ा है? क्या कड़ाई है अभी उसमें? रोजाना हम आधा घंटा सवेरे याद कर लेते हैं, आधा घंटा शाम को भी याद कर लेते हैं। कड़ाई है कोई? मुसीबत है कोई इसमें? क्या कड़ाई है? बाबा कहता है बंधन बड़ा कड़ा है। किसी और का कहना नहीं मानना, किसी और का कहना, ये है सबसे बड़ा बंधन। पवित्र बन ही तब सकेंगे, पवित्र बन ही तब सकेंगे जब एक बाप का ही कहना। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तुम तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वे कैसे स्वराज्य पाया? ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता रहता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा कि पवित्र बनो। क्या बनो? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आज कल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना, आज के इंसान को क्या हो गया? भगवान कितना बदल गया। कहां नया भारत स्वर्ग, और कहां पुराना भारत नर्क। वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था, और ये है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। तुम राज योग सीखते हैं, ये है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वो तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज्य का तिलक बाप ही आकर। राजाई तुम बच्चों को मिलती है कब? अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। नहीं मानेंगे कहना तो नहीं मिलेगी। इसलिए पूछा जाता है पारलौकिक परम पिता परम आत्मा से आपका क्या संबंध है? आपका क्या संबंध है? बाप एक वही पतित पावन है, बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है। सवेरे सवेरे, हाँ सवेरे सवेरे मौत सामने। इसलिए क्या करो फिर? मौत सामने खड़ा है तो क्या करो? इसलिए कहते हैं बाप के बनो। बाप के बनो का मतलब ही है बाप का कहना। राय भी देते हैं, ये समझ की बात है। भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ई स्वर्ग, है ई स्वर्ग।
बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो, धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं, अब वे सुख धाम फिर दुख धाम बन गया। ये चक्र रिपीट होता है, ये चक्र क्या होता है, रिपीट होता है। कलयुग में के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप, कलयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है। नहीं, सतयुग, सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है। वही पतित पावन है, कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी। राम राज्य शुरू हो जाए। भगवान के महावाक्य हैं, क्या है, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो, बाकी वे ब्राह्मण भी बहन भाई भी सब पतित। तो ब्राह्मण भी पतित, बहन भाई भी पतित, पतित पतित को राखी बांधते हैं। ये तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते, ये तो बाप आकर संगम युग पर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पावन पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझानी देते हैं, कैसे किसको समझाओ, बोलो। पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते हो, गाते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी शरण में सुख बने। ये किसी को पता, किसी की किसकी महिमा करते हो, जरूर भगवान ही ठहरा, जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वे जब आए तब प्रतिज्ञा कराए, पवित्रता की तभी तो आकर के प्रतिज्ञा कराएंगे। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए, आयु भी छोटी हो गई है, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, पता ही नहीं कब चला जाए। भोगी भी बन पड़े हो, सतयुग में योगी थे, सतयुग में क्या थे, योगी थे, घर गृहस्थ में रहते थे, रहते हुए उनको कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी, वे है पावन राज्य, पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, वो बैठ समझो, वो बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है ना, कन्या भी माता बनती, कन्या भी माता बनती है,
यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव पवित्र बन और मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। एक तो पाप कर्म करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, सजाएं खाएंगे, पद भी नहीं मिलेगा। चलो सजा मार पिटाई कर दो, पद तो दे दो। पद भी गया, मार भी लगी, पवित्र भी ना बने। तो जो योग में रहे विकर्माजीत बनेंगे, वही विकर्माजीत राजा बनेंगे। विकर्माजीत का संवत 1 से 2500 साल तक चलता है, 1 से 2500 और विक्रम संवत 2500 से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संबत कोई नहीं जान। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं और विक्रम संबत को 2000 वर्ष दे दिए। कितने दे दिए? 2000। अब कितना चल रहा है विक्रम संबत? 2022 संबत, इसमें 57 साल जोड़ने, 2022 सन है, इसमें 57 जोड़ेंगे तो 2079 आएगा संबत। 57 साल जोड़ देंगे सन, जो भी सन चल रहा हो, 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, उसमें 57 साल और जोड़ देंगे तो वो संबत। हाँ जी, हाँ हाँ, 23 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें समझने की पहली बात है, पतित पावन कौन? पहली बात है, पतित पावन कौन? पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते। जब वो सतयुग में पावन होते हैं तो याद, वहां है ही सुख तो याद नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है, विकर्मों पर जीत पाने से ही क्या बनेंगे? विकर्माजीत बनेंगे। विकर्मों को जीतेंगे तो विकर्माजीत बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना, कोई दूसरा दे, इस रंग के तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को तिलक लगाना है। स्वयं को स्वराज्य, स्वयं ही स्वराज्य का तिलक देना है। पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है, सबको पवित्र बन के अपनी रक्षा करना सिखाना। पवित्रता की राखी बांधना क्या होता है? अपनी रक्षा करना, किसी और की रक्षा नहीं। हमने विकारों से
अपनी रक्षा करनी है, सबको पवित्र की राखी, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है, कमल फूल समान रहना है। वरदान नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। ज्ञान के आधार से, क्या ज्ञान की शक्ति से, तो ज्ञान की शक्ति क्या होगी? ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करने के अनुभव। बल और ताकत कैसे होती है? जब वो हमारे अनुभव में आ जाता है। कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले, हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं इनको हमने क्या करना है? इनको कंट्रोल करना है, इन पर शासन करना है, तब सफल स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। रोज रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज दरबार लगाओ। राज दरबार, और चेक करो कि कोई भी कर्म इंद्रिया व कर्मचारी से बार बार दुख तो नहीं होता, बार बार दुख तो नहीं होता, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो गए। गलत काम करते करते, गलत काम करने के संस्कार क्या हो गए हैं? पक्के हो जाते। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करो कि क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, साथ साथ चेंज भी करना है। जितनी भी कमियां मिलती हैं उन सब कमियों को चेंज भी करना। सफल स्वराज्य के अधिकारी ऐसे ही स्वराज्य के अधिकारी बन जाते। ऐसे स्वराज्य चलाने के में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते। स्लोगन, हर समय करण करावनहार बाप को याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता, मैं पन का अभिमान फिर उसके पास आ नहीं सकता। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692200 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम।